हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज तक ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि BGMI अनबैन हो सकता है। यहाँ पे मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ कि अभी तक सिर्फ छोटे छोटे आर्टिकल से अपडेट मिल रहे थे, लेकिन अब आज तक ने अपने आर्टिकल में लिखा है तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ तो होप मिली है। अब गेम काफ़ी दिनों से चल रहा है तो इतना तो हमें भी पता चल गया है कि गेम तो वापस ज़रूर आएगा। अगर बैन होना होता तो भाई अभी तक हो गया होता। और आसक ने ये और कहा है कि इस साल के अंत तक गेम पूरी तरह से वापस आ जाएगा। बाकी देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। और गाइस, BGMI में अब काफ़ी ज़्यादा ग्लिच देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस हो रहे हैं, अगर आपके साथ हो रहे हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वापस आते हैं आप अपने गेम प्ले की तरफ। अब मैं जैसे यहाँ पर ग्रोनेस में उतरा था, अब मेरे टीममेट यहाँ पर नॉक हो गया, तो यहाँ पे बंदे पीछे से और आगे दोनों साइड में थे, तो मैंने सोचा पहले यहाँ से भाई इस बंदे को रिकॉल करना पड़ेगा। तो मैं मौका ढूंढ रहा था यहाँ पे, अब इस घोंचू को भाई समझ में ये नहीं आ रहा था कि बंदा है कहाँ पे। अब मैं जैसे क्लोज में आया तो बोल रहा कि भाई सिर्फ साउंड आ रहा है, मुझे बंदा नहीं पता। तो मुझे लग रहा था कि यार एक बंदा होगा कोई, शायद रिकॉल वगैरह होके होगा तो अभी आया होगा। तो मैं जैसे ही आता हूँ फाइट लेने के लिए, और गाइस यहाँ पे होती है फुल स्क्वाड। एक बंदा सामने था जिसको मैं अभी नॉक करूँगा, और दो बंदे लेफ्ट में थे भाई, कैंप करके बैठे हुए थे बंदों के बिना फुटस्टेप कुछ नहीं भाई। मैं सोच रहा था कि सिर्फ यही बंदा है, लेकिन नहीं, जैसे इसको नॉक करा सामने से आ गई दूसरी स्क्वाड। अब ये बंदे मेरे पे फायर करने लगे, जैसे मैं नीचे गया ये देखो भाई, ये बंदों ने मेरे टीममेट को मारा स्कारल से। अब मैं समझ गया था कि ये बंदे यहाँ पे भी हैं। अब मैं भाई यहाँ पे देखता हो गया, मुझे लगता बंदा टीवी पे एंगल लेके बैठा होगा। जैसे ही गया, अब ये दो बंदे थे और लेफ्ट में थे भाई, ये बंदे भी मेरे पर रश नहीं करते भाई। लिटरली मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि बंदे अचानक अगर आ गए ना तो मेरी गेम बजा देंगे। जब तक मैं आया था सामने वाला बंदा भी रिवाइव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था अचानक गेट खुलेगा और भाई बंदे एकदम घुसेंगे। कुल मिलाकर सिर्फ मेरे पे यही कवर था, और मैं सोच रहा था कि भाई एक बार गेट खोल के ना बंदों से फाइट लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे गेट खोला भाई ये लेटा बना सामने। अब मैं भाई प्रॉपर बाहर क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई आप मानोगे नहीं, यहाँ पे इतनी अलग अलग स्क्वाड भाई आ गई थी ना, आपको यकीन नहीं होगा। अब जैसे मैंने उसको नॉक करा था, एक बंदा लेफ्ट में था और भाई सामने से भी फायर आने लग जाता। और अब देखो ये गेट बंद हुआ, वो देखो अब वो दूसरी स्क्वाड का बंदा है, और ये बंदा यार मेरे दोनों किल चुरा लेता है। अब जैसे मैं उसको नॉक करे भाई वो नेट फेंकता है और दोनों किल ले गया मेरे। अब यहाँ पे गाइस मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि भाई मुझे बंदा मिल गया था तो मैं उसको पक्का उठा उठा के पटकूंगा, क्योंकि भाई मैं बंदे नॉक कर रहा हूँ मेरे किल चुरा रहे भाई, मुझे फाइट लेने की जगह नहीं मिल रही, नेड मोली सब आगे फट रहा है। हर जगह से फंस चुका था मैं, इतने ज़्यादा फुटस्टेप आ रहे थे आप देख सकते हो। अब ये बंदा था, इसको डैमेज पड़ा, तो मैं सोच रहा था कि इस बंदे पर रश कर देता हूँ। मैं जैसे ही पीछे से गया मुझे लगा बंदा अंदर की साइड में कहीं भी बैठा हो। जैसे ही घुसा भाई साहब, भाई लिटरली बंदे ने डरा दिया एकदम। अब जिगल क्राउच देख के जो हुआ भाई, मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया पूरा। कवर में जाके हेल्थ किट लगाता हूँ मैं। और गाइस जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना यार। अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि बंदे रिकॉल होकर यहीं पर आ रहे थे। अब कुल मिला के सिर्फ मेरे पर यही कवर था, अब बाहर जाता तो नेड मौली मार देती। तो यहाँ पर भी वेट कर रहा था, और तभी मेरे पे दो बंदे अचानक से पुश कर देते हैं। मैंने वेट किया, अब एक स्प्रे में मैं दोनों बंदे डाउन कर देता हूँ। गाइस आप इस बंदे का नाम पढ़ सकते हो, जिस बंदे ने मेरे किल चुराए थे
उसको तो भाई भूसा भूसा जो मिला मैंने वो भर दिया। अब मेरा बदला यहाँ पे पूरा हो गया था, लेकिन बंदा भाई मेरे से जल गया और भाई दोबारा रिकॉल होके भाई इसी जगह पे वो फिर आता है। अब मैं भाई लूट वूट कलेक्ट करके रेडी हो गया था। अब उस बंदे को पता था मुझे फुटस्टेप जैसे ही आए थे, मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठ जाता हूँ। अब जैसी साउंड आया मुझे भाई, मैं हील कैंसिल करके बंदे के एक ही हेड पे दिया मैंने, बस खत्म। भाई साहब मैंने बंदे को भाई दो बार मारा लिटरली, मुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी यहाँ पे। अब मेरे पास भी नेट मोली आ चुके थे और सामने साउंड आ रहा था, तो मैं सोचता भाई नेट फेंक दूँ, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक फुटस्टेप आता है। अब ये बंदा बस जंप पंच करके आ रहा था, लेकिन ये बेवकूफ़ था, इसको ही नहीं पता कि विंडो से अंदर एंटर करेगा तो फुटस्टेप तो आएंगे ही ना यार। अब मैंने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। यहाँ पे क्या सीन होता है गाइस कि मैं इतनी देर से अकेले इस घर में सर्वाइव कर रहा था, बैक टू बैक फाइट ले रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए चिकन डिनर तो भाई मैं ही लेके जाऊँगा। अब बंदे मेरे क्रश कर रहे थे, मैंने मोली करी बंदे को तो भाई जला दिया। अब मुझे इसको मारने में तो ज़्यादा मजा आया ना भाई, एक बंदा जलता हुआ मेरे सामने आया। अब फुटस्टेप आप देख सकते हो, मैंने प्री नेट किया, कुल मिलाकर हम तीन बंदे बचे हुए थे और मुझे लग रहा था कि ये दो बंदे एक ही टीम के हैं। अब जैसे एक बंदा फिनिश हुआ मैं समझ गया अब इस बंदे से मेरी 1v1 वाली फाइट थी। अब मुझे बंदे का साउंड आ चुका था और ये नेट गया तुम्हारे भाई का, बूम। ये वाला नहीं, ये वाला नेट जाएगा, ख़त्म। चिकन डिनर भाई ले लिया फाइनली, लिटरली भाई मज़ा आ गया यार। गाइस अगर आप कभी ऐसे घर में अकेले चिकन डिनर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करते हुए जाने यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।